इसी में सारे समाज की जीत है कि हम घर पे रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। क्या यार, सुबह से टीवी देख रही हो और वक्त ही नहीं पास हो रहा। मोदी जी ने घर पे बैठने को तो बोल दिया, कुछ ऐसे काम भी दे देते जिससे हम अपनी बोरियत दूर कर पाते। क्या करूं, टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा। मीनू जी, ओ मीनू जी, क्या यार, आपने तो घर पे ही ऑफिस खोल लिया है। अभी तो दफ्तर का टाइम भी खत्म हो गया। चलो ना, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी गपशप लड़ाते हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन में घर से बाहर जाने को मना किया है, बीवी से बात करने को मना नहीं किया। अरे मालती जी, वर्किंग फ्रॉम होम है, अगर टाइम पर काम खत्म नहीं करूंगा ना तो सैलरी भी कट सकती है, समझी आप? ना समझ के भी क्या उखाड़ लूंगी। लॉकडाउन में अगर झगड़ा हुआ तो ना इन्हें घर से बाहर निकाल सकती हूँ, खुद घर से बाहर जा सकती हूँ। क्रांति बाई का नहीं मानती। शांति शांति। कोई बात नहीं वीरू जी, आप कर लो अपने काम, चाय मैं बता देती। अरे वाह, देखिए पूछ पूछ। लेकिन मालती जी, आज ना चाय पीने का मूड नहीं है। एक काम करते, मैं ये मेल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने हाथ की चलवेदार कॉफी पिलाता हूँ। है कॉफी आपके हाथ की? झूठ तो मैं बोलती नहीं, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। आप रहने दो, मैं बना देती हूँ कॉफी। मैं इंसल्ट करके गई हूँ, मुझे आराम देखी गई। खैर एनीवे, जो भी है, बीवी हो तो ऐसी। अरे माती जी, कोशिश कीजिए दालगुना कॉफी बनाइए। आज सारी दुनिया ने पी ली यार, हमने नहीं पी। आज ना दालगुना हो जाए। हाँ दस मिनट में बना देती हूँ दालगुना कॉफी। हाँ ओके। ओ तेरी, दूध तो है ही नहीं। वीनू जी, आपकी दालगुना कॉफी तो नहीं बन पाएगी, दूध खत्म हो गया। क्या क्या यार मालती, सॉरी दूध फिनिश हो गया। अरे दूध भी को खत्म होने वाली चीज है, अरे पहले बताना चाहिए ना। अरे एक आइडिया है, मिल्क पाउडर है मेरे पास, उसकी कॉफी बन सकती है। ना 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 ना, मुझे वो मिल्क पाउडर वाली कॉफी नहीं पीनी। मैं काम करता हूँ, मैं मार्केट से। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे वीनू जी। आपको पता है ना लॉकडाउन चल रहा है, और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर जाना ये ठीक नहीं। आप टेंशन क्यों लेते हो, मैंने बनी के पास सामान लिखवाया है, उसमें टेट्रा पैक भी है दूध के, बस एक घंटे में सामान आ जाएगा, फिर कॉफी बना दूंगी। ओके, एक घंटा? मालती कॉफी पीने का मूड अब है, छोड़ो यार। छोड़ो, मूड तो सिर्फ कॉफी के लिए होता है ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं। बाकी टाइम जब मूड बनाना होता है तब लॉकडाउन लग जाता है। घर में सामान तक नहीं रखती यार, और क्या करेंगे पता है।
मेजर साहब। जी ये क्या मेजर साहब, वो मीटिंग थी ऑफिस की ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉलिंग। तो मेजर साहब लेकिन आपने ये क्या हालत बना रखी है? अरे ये लॉकडाउन का वक्त था तो सोचा बढ़ा लेते हैं, घर की खेती है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मेरा नहीं, धूप का कीजिए, 35 दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेजर साहब क्या दिन आ गया ना, एक वो वक्त था जब हम चाय पे चर्चा करते थे, बैठते थे, टाइम पास करते थे, लेकिन अब तो मतलब कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर चाय पे चर्चा होगी। और बात लंबी कीजिए तो शाम को चाय पे चर्चा। ये आपने दिल की बात कही है। फिलहाल मैं चलता हूँ, अगर मालती को खबर लग गई ना तो मेरी चाय पे चर्चा यहीं हो जाएगी। भाई गृह मंत्री चाहे शादी हो चाहे मालती, ऑर्डर्स तो माननी पड़ेंगे। ऑर्डर्स क्या है जानते हैं ना? सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए बाद में मुलाकात होती है। लीजिए मालती जी, दूध आ गया, बना दीजिए कॉफी। दूध? ये कहाँ से आया? ओह नो विनु जी, आप घर से बाहर गए थे, लेकिन कब और कहाँ से आया दूध? अरे आप कॉफी बनाइए ना, आपको क्या करना है? नहीं पहले आप मुझे ये बताओ कि दूध कहाँ से आया, आप क्यों गए थे घर से बाहर? मैंने आपसे मना किया था ना विनु जी, आपने बिल्कुल पेशेंस नहीं है, जल्दी बताओ ये दूध कहाँ से लेकर आए? अरे जी जी शांत 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 शांत, मतलब इतना चिल्ला क्यों रही है आप, तो कोविड की तरह फैलती चली जा रही है। अब जल्दी बताओ ये किसका दूध है? अरे ये क्या सवाल हुआ, डेफिनेटली गाय या भैंस का दूध होगा ना, मैं तो दूध देने से रहा ना। विनु जी बता रहे हो कि दूध फेंक दूं मैं? अरे नहीं नहीं मेजर साहब का दूध है, आई मीन मेजर साहब के यहाँ से लाया हूँ दूध। घर से मतलब? ओह नो विनु जी, ये क्या किया आपने? मैंने आपसे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन नहीं आप मेरी एक भी नहीं सुनते। कहा था ना मैंने कि मेरे बनिए के पास सामान लिखाया है, दूध आता ही होगा, पर नहीं, पता नहीं किस किस चीज को टच करके ये दूध लेकर आए होंगे। अरे नहीं नहीं मालती जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं मैंने। इनफैक्ट यहां से जाने से पहले मैंने मेजर साहब को मैसेज किया, उनकी परमिशन ली, उसके बाद मैं यहां से निकला। इनफैक्ट मैंने हाथों को सैनिटाइज किया, मास्क पहना, ग्लव्स पहने और घर से बाहर जाने वाली चप्पल को पहना। लिफ्ट से भी नहीं गया, सीढ़ियों से गया हूं और किसी भी रेलिंग को हाथ नहीं लगाया मैंने। और तो और मेजर साहब के घर के बाहर जाकर मैंने उनकी डोरबेल भी नहीं बजाई। अच्छा तो मेजर साहब को क्या सपना आया कि आप उनके घर के बाहर प्रकट हुए हैं? अरे तो ये किस मर्ज की दवा है, मैंने फोन किया, उनसे बात की और वो बाहर आ गए। और तो और मेजर साहब भी कोई कम थोड़े हैं, भाई हैं तो मेजर ही, सारी जिंदगी देश की सेवा की है, इस कार्य में भी उनका सेवा भाव सामने दिखता है। आप जानती हैं मेजर साहब के बर्तन के अलावा इस दूध को किसी और ने नहीं छुआ है, इस प्रिकॉशन के साथ उन्होंने इस दूध को इस ग्लास में डाला है और वहां से ट्रेवल करता हुआ ये दूध सीधा यहां पहुंचा है आपकी सेवा में। अब बताइए इसमें हमने क्या गलत किया है? दोस्तों अभी अभी जो विनु जी ने किया ना, मैं उसे गलत कहूंगी ना सही कहूंगी, क्योंकि विनु जी बहुत सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर गए और सामान लेकर आए, मगर फिर भी नहीं जाना चाहिए था। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हमें घर से बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तभी अपने घर से बाहर निकलें, और अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि सरकार आज जो कुछ भी कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है। अगर आज हम अपने घरों में बंद हैं तो इसमें हमारी ही भलाई है। दोस्तों हम सब इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी सब अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें सेफ रखने में लगे हुए हैं। इसीलिए हमें सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए, उनके बनाए गए रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा
कि ये हमारे लिए एक बहुत लंबी लड़ाई है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, इससे घबराना नहीं चाहिए, बस तैयार रहना चाहिए और इन सारे प्रिकॉशंस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। लड़ाई लंबी है क्योंकि 3 मई तक चलने वाला ये लॉकडाउन सिर्फ आप और हम मिलकर खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम यूं ही गलतियां करते रहे तो ये 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन 3rd लॉकडाउन में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही इस महामारी से बचने का उपाय है। जय हिंद।